आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही शहर में कोविड 19 के मामले बढ़ने लगे हैं। नवदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुनील शर्मा ने शहर के लोगों से कोविड 19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर हैंड सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी है। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही शहर में कोविड 19 के मामले बढ़ने लगे हैं। नवदीप हॉस्पिटल के निदेशक और सेल्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने शहर के लोगों से कोविड 19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर हैंड सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत वर्ष और हमारे आगरा की जो जनता है वो सावधानी बिल्कुल नहीं बरत रही है। दीपावली का बहुत अच्छा त्यौहार होता है, बहुत लंबा त्यौहार होता है, यह त्यौहार 5 दिन चलता है, तो 5 दिन आगरा की जनता ने घनघोर लापरवाही करी है। मार्केट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, कोई मास्क नहीं पहने, साबुन या पानी से कभी हाथ धोने का प्रयास नहीं किए गए। इस 5-6 दिन में जो जनता से लापरवाही है उसके एवज में एकदम से हमें लोगों को फील हो रहा है कि कोविड पेशेंट्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा कि लोगों को लग रहा है कि कोरोना हमारे बीच से चला गया है, ऐसा नहीं है। सर्द मौसम में कोविड 19 तेजी के साथ बढ़ेगा, अतः हम सभी लोगों को सतर्कता के साथ रहना होगा। अगर अगली पीक आएगी तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। इस पीक को रोकने के लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम शिक्षित नागरिक हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और हम लोग सिर्फ आपके सी चैनल के जरिए मैं अपनी आगरा की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। हम आपसे सिर्फ 3 चीज़ मांग रहे हैं, बस पहन के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट मेंटेन करके रहिए और हर 2-2 घंटे पर साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए। अपने देश को बचाइए, अपने शहर को बचाइए। सेल्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा नवदीप हॉस्पिटल ने इलाज कराने आने वाले मरीजों को कोविड 19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाने की और 2 फुट की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की चेतावनी दी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।